अरहत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ की प्रकाशी मांग लिख उपकारी है। तीन को स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तीन रक्षाबंधन पर्व के संदर्भ में कुछ चर्चा करनी है। पर्व ऐतिहासिक और पौराणिक पर्व है। पुण्य और पवित्रता की अत्यंत सुंदर चर्चा यहाँ इस पर्व के माध्यम से की जानी है। सहज ही चर्चा में प्रसंग प्राप्त है कि आज हम रक्षाबंधन की चर्चा करें। क्या पर्व था, कैसा पर्व था, हम इसकी चर्चा करने के लिए आपको चौथे काल में ले चलना चाहते हैं। चौथा काल उज्जैनी नगरी, राजा थे श्री वर्मा। राजा का नाम था श्री वर्मा, याद रखना नाम। जैन थे, मुनि भक्त थे, देवशास्त्र गुरु के उपासक थे, ज्ञानी थे, चार मंत्री थे उनके। मंत्रियों के नाम थे बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रह्लाद। नाम याद रखना। चर्चा करने का उद्देश्य क्या है कि हम कुछ उन नामों को भी याद रख सकें। रक्षाबंधन की कहानी ऐसी कहानी नहीं है जो किसी ने ना सुनी हो। हम सब ने अनेक वर्षों में ये कहानियाँ सुनी हैं और हमने यहाँ इसी सभा में बहुत बार ये कहानी सुनाई भी है, लेकिन फिर भी आज क्योंकि ये पुनः प्रसंग आ गया है इसलिए साल में एक ही दिन तो मिलता है ऐसा चर्चा करने के लिए। आज हम पुनः इसकी चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग नए भी होंगे और कुछ नए एंगल से भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कुछ बात ऐसी भी होगी साहब जो आपने कभी ना सुनी होगी रक्षाबंधन के संदर्भ में। उज्जैनी नगरी में पहुंच गए हम। जैन नगरी थी, राजा भी जैन था और उस उज्जैनी नगरी में 700 मुनिराजों का संघ आचार्य अकम्पन के निर्देशन में विहार करता हुआ वहां पहुंच गया। 700 मुनिराजों का संघ था, आचार्य थे अकम्पन, अकम्पन नाम के आचार्य। उन अकम्पनाचार्य के निर्देशन में, क्योंकि आचार्य के निर्देशन में पूरा संघ चलता है, जब पूरा संघ वहां पहुंचा ये समाचार राजा को मिले तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत भक्ति का भाव था मन में कि चलो आज ये बहुत अच्छा मौका मिला है हमें मुनिराजों के दर्शन करने का, हम सब मुनिराज के दर्शन करने के लिए चलेंगे, उनके उपदेश का लाभ मिलेगा, मुनिराज से कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा विचार बनाकर बहुत भक्ति भाव से, उमंग से वो राजा उन 700 मुनिराजों के दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे। आचार्य कौन थे? अकम्पनाचार्य। राजा के साथ में जब यहाँ राजा जाएगा वहां उसके मंत्री भी जाएंगे। राजा के साथ में राजा के चारों मंत्री,
नाम क्या बतलाए? बलि, नमुचित, बृहस्पति और प्रहलाद, चारों मंत्री भी साथ। वो चारों मंत्री जैन नहीं थे, वे विधर्मी थे, जैन धर्म को नहीं मानते थे। विधर्मी होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन जिनागम का, जिन शासन का विरोध करना, ये महा अपराध है। देवशास्त्र गुरु की विराधना, देवशास्त्र गुरु का विरोध, ये पाप ही नहीं महापाप है, नरक निबोध जाने का कारण है। चारों मंत्री जैनियों से बहुत चिढ़ते थे, जलते थे, द्वेष भाव रखते थे। उन मंत्रियों के मन में बहुत द्वेष भाव था कि अरे ये जो मुनिराज यहाँ आए हैं, ये मुनिराज अब यदि यहाँ विचरण करेंगे, अपने उज्जैनी नगरी में घूमेंगे, नंगे हैं, ये अच्छा नहीं है, ये शोभा नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है, इनकी तो बेइज्जती होनी चाहिए। बहुत द्वेष भाव, कलुषता का भाव मंत्रियों के मन में। राजा के साथ में 700 मुनिराजों के दर्शन करने का प्रसंग बना और वे राजमहल से रवाना हुए मुनिराजों के दर्शन के लिए। अकम्पनाचार्य बहुत ज्ञानी थे, निमित्त ज्ञानी भी थे, क्योंकि इतना बड़ा संघ लेकर के चल रहे हैं और विशेष ज्ञान ना हो ऐसा नहीं हो सकता। आचार्य होते ही वे हैं जिनके हृदय में संघ के संचालन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, मन में, मस्तिष्क में पूरा निर्वाह करते हैं उसे। उन्हें इस बात को भांपते हुए देर नहीं लगी कि राजा के मंत्री चारों वे जैन धर्म को मानने वाले नहीं हैं और दुष्ट चित्त वाले हैं। उन्होंने अपने पूरे संघ को निर्देश दे दिया कि वे राजा और मंत्री यहाँ आ रहे हैं, हम में से कोई भी चर्चा नहीं करेगा, सब मौन रहेंगे, मौन साधना करेंगे। बिल्कुल सब तैयार थे, सारे मुनिराज मौन धारण कर लिया, सभी ने आत्म साधना में लीन हो गए, ध्यान मग्न हो गए, ध्यान अवस्था में चले गए, शुद्धोपयोग में विचरण करने लगे अंदर। और जब वे राजा के साथ में चारों मंत्री आए तो क्या हुआ होगा, सब मुनिराज ध्यान अवस्था में, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। राजा ने आकर के वंदन किया, अष्टांग नमस्कार किया, मुनिराजों की जय जयकार की, लेकिन मुनिराज तो सभी ध्यान अवस्था में मग्न थे। फिर क्या हुआ होगा जी उसके बाद? कुछ नहीं, जब वे मुनिराज कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ देर इंतजार किया और कुछ देर इंतजार करके वापस अपने मार्ग से राजमहल की तरफ प्रस्थान करने लगे। जब राजमहल की तरफ प्रस्थान कर रहे थे तो मंत्रियों ने भड़काना शुरू किया राजा को कि महाराज सबके सब मूर्ख हैं, ये जिन मुनिराज के पास आपने गए हो कुछ अकल नहीं है इनमें, कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ योग्यता नहीं है। अब अपन लोग वहाँ गए थे तो कुछ तो चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन आपने वो सुक्ति सुनी होगी, मौनम मूर्खस्य आभूषणम, मौन मूर्खता का आभूषण है। बोलते कुछ नहीं, बोले क्या, बोलते क्या, चर्चा करते आपसे, और बोलते तो सारी बात सामने आ जाती। राजा ने कहा नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वे चारों मंत्री भड़काते रहे। जब वे जिस मार्ग से होते हुए राजमहल की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक और मुनिराज, जिन मुनिराज का नाम था श्रुत सागर, क्या नाम था मुनिराज का? श्रुत सागर। वे मुनिराज कुछ आहार चर्या में कुछ विलंब हुआ और वे लौट करके आ रहे थे सामने से। जब श्रुत सागर मुनिराज लौट करके आ रहे थे तो इन चारों मंत्रियों ने दूर से देखा और आपस में बोलने लगे, राजा से बोलने लगे, ये देखो एक और बैल मूर्ख एक और आ रहा है सामने से, निंदा करने लगे। राजा ने मना किया लेकिन माने नहीं, कुछ चहेते थे राजा के, आपसी चर्चा होने लगी, मुनिराज सामने से आ रहे थे, मुनिराज को रोक लिया, कुछ ऊटपटांग बोलने लगे। जिन धर्म की विराधना जानकर उन मुनिराज को भी विकल्प आया और उन्होंने भी कुछ जवाब दिया।
आपसी चर्चा चलने लगी, वाद विवाद होने लगा, तर्क वितर्क होने लगे। और क्योंकि उन मुनिराज का नाम जो श्रुत सागर था, वे वास्तव में श्रुत के आराधक थे। श्रुत माने होता है शास्त्र, श्रुत ज्ञान, ज्ञान का भी एक भेद है श्रुत, और उस श्रुत के वे सागर थे। आप समझ लो कैसी बुद्धि होगी, विलक्षण ज्ञान के धनी थे। अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान से, अपनी योग्यता से चारों मंत्रियों को वाद विवाद में उन्होंने पराजित कर दिया, परास्त कर दिया। अब क्या हुआ होगा, बेचारे बेइज्जत हो गए। श्रुत सागर मुनिराज वहां से चलते हुए संघ में आ गए और आचार्य श्री से आकर के पूरी घटना को उन्होंने सुनाया, समझाया, बतलाया कि क्या घटना घटी थी। उन्हें बाद में मालूम भी चला, यो हो, मुझे नहीं मालूम था कि आचार्य श्री ये निर्देश दे चुके थे कि हमें मौन रहना है और इनसे वाद विवाद नहीं करना है। उधर वो मंत्री राजमहल की तरफ जा रहे थे तो मन में विचार करते हुए जा रहे थे, ऐसा अपमान हमारा जरूर बदला लेंगे, ऐसे अपमान का तो हम अवश्य बदला लेकर के रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे इनके खिलाफ, कुछ ना कुछ षड्यंत्र मन में सोचते हुए जा रहे थे। और इधर श्रुत सागर मुनिराज अकम्पनाचार्य के सामने बैठे हुए प्रायश्चित किए लिए बात कह रहे हैं, महाराज गलती हो गई मेरे से। श्रुत सागर मुनिराज के को अकम्पनाचार्य कह रहे हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुनिराज कह रहे हैं कि गलती हो गई, आप मुझे प्रायश्चित विधि द्वारा शुद्ध कीजिए। और आचार्य श्री कह रहे हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं था इस बात का कि हमें वाद विवाद नहीं करना है, और तुमने यदि वाद विवाद किया तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है। कि नहीं महाराज, मुझे पता होना चाहिए। देखो भाई, प्रथमानुयोग की घटनाएं हैं, घटना हूबहू होती है, लेकिन उस घटना के साथ में छिपे हुए शब्द कैसे होते हैं इनका पता नहीं होता, क्योंकि प्रथमानुयोग के कथाकार, कहानी लिखने वाले, जो भी विद्वान, जो भी ज्ञानी, जो भी मुनिराज कहानी लिखते हैं, वे हूबहू शब्द तो लिख नहीं सकते हैं ना, क्या शब्द कहे होंगे, क्या वाक्य रहे होंगे। एक कथानक इस प्रकार का भी आता है कि उन्होंने दंड दिया, आचार्य श्री ने दंड दिया, और दूसरा कथानक ऐसा मिलता है कि आचार्य श्री तो नहीं चाहते थे कि तुझे दंड देवे, लेकिन उन्होंने निवेदन किया कि आप मुझे प्रायश्चित विधि द्वारा शुद्ध करो। अकम्पनाचार्य बिल्कुल स्तब्ध रह गए, ये काम तो अच्छा नहीं हुआ, हम क्या करें, ये वाद विवाद अच्छी बात नहीं है। मूर्खों के साथ में वाद विवाद, दुष्टों के साथ में वाद विवाद तो किया ही नहीं जाना चाहिए। कैसी स्थिति है, जिस प्रकार सांप को दूध पिलाने से विष ही बनता है, उसी प्रकार तीव्र कषायी जीवों से की गई तत्व चर्चा उनके क्रोध को ही बढ़ाती है। क्या शिक्षा लेनी चाहिए इस प्रसंग से, आचार्य श्री के द्वारा दिए गए इस निर्देशन से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी तीव्र कषायी जीवों के साथ में वाद विवाद मत करना, कभी उलझना मत। जिनमें योग्यता नहीं हो, जिनमें पात्रता नहीं हो, जिनमें समझने की कुछ भी पात्रता नहीं दिखाई दे रही, ऐसे जीवों को हमें कभी भी धर्म उपदेश नहीं देना चाहिए, धर्म की चर्चा नहीं करनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ये आपको तो उल्टा सीधा कहेंगे ही, ये धर्म को भी उल्टा सीधा कहेंगे, धर्म बदनाम होगा। जिसमें योग्यता ही नहीं है, जिसमें कुछ लक्षण पात्रता ही नहीं दिखाई दे रही है, हम क्या समझाएं उनको, क्या बताएं, कुछ जरूरत नहीं है। तीव्र कषायी जीवों के साथ में धर्म की चर्चा कभी मत करना। हाँ, यदि कुछ कषायी की मंदता सामने वाले व्यक्ति में दिखाई देती है तो कुछ चर्चा अवश्य की जा सकती है, कोई बात नहीं। आचार्य श्री ने कहा कि भाई संकट तो है, क्या करें, संकट तो दिखाई दे रहा है हमारे को, पूरे संघ के ऊपर संकट आएगा, तो महाराज क्या आदेश है आपका। कि आदेश तो कुछ नहीं है, लेकिन पूरे संघ पर संकट आएगा, मैं तुम्हें अकेले को भी संकट में नहीं डाल सकता। कि महाराज मैं वहीं जाकर के तपश्चरण करता हूँ मार्ग में, जिस मार्ग से वो आते थे। जो भी परिस्थिति बनी हो, आपस में चर्चा हुई हो, और श्रुत सागर मुनिराज को निर्देश दिया गया आचार्य के माध्यम से कि तुम मार्ग में उसी जगह जाकर आज रात्रि विश्राम करेंगे, वहीं जाकर के तुम ध्यानस्थ खड़े होंगे, जो कुछ भी होना होगा सो होगा।
वे तो योजना बनाई रहे थे चारों दुष्ट। उन्होंने योजना बनाई और योजनाबद्ध तरीके से मणिराजों पर प्रहार करने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए हाथ में तलवारें लेकर रात के अंधेरे में राजमहल से निकले चारों मंत्री। नाम क्या थे भूल गए? बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद, ये चारों मंत्री। हाथ में तलवार लेकर के जब रास्ते में चलते हुए आ रहे थे तो क्या हुआ, एकदम देखा कि अरे ये वही जिससे अपना वाद विवाद हुआ था दिन में, जिसने हमारे को पराजित किया था, यही मिल गया है। चलो अच्छा हुआ, पहले इससे ही निपट लेते हैं, पहले इसके ऊपर ही प्रहार करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। रास्ते में खड़े थे ना वो, चारों ने तलवारें खींच ली और चारों तरफ खड़े होकर के एक साथ प्रहार करने के लिए जैसे ही तलवारें उठाई, देव लोग सामने से आ गए और देवों ने किलित कर दिया, किलित कर दिया। पाषाण की तरह खड़े हो गए वे चारों लोग, हिल नहीं सकते थे। मणिराज तो ध्यान में मग्न थे, मणिराज पे कहां उपसर्ग, मणिराज को कहां पता था इस बात का। वे तो ध्यान में मग्न थे, अपने स्वरूप में लीन रहने वाले, शुद्धोपयोग में विचरण करने वाले, अतिंद्रिय आनंद का रसास्वादन करने वाले ये महामुनिराज ध्यान में खड़े हैं और चारों तरफ के मंत्री देव लोग आ जाते हैं। ऐसे पहले भी इस तरह की घटनाएं कई बार घटती रही है और चौथा काल था, वैमानिक देव भी आ जाते हैं। सीता की अग्नि परीक्षा के समय अग्नि का जल करने के लिए देव आ गए थे। श्री सुदर्शन की रक्षा के लिए सूली को सिंहासन बना दिया था कहीं अम्पान चांडाल के लिए, और मुनिराजों पर ऐसा उपसर्ग जानकर देव लोग आ गए और चारों मंत्रियों को किलित कर दिया गया। हाथ में तलवारें हैं और पत्थर की तरह किलित हैं, हिलडुल नहीं पा रहे हैं। देव लोग चले गए, मुनिराज ध्यान अवस्था में खड़े हैं। सूर्योदय हुआ, नगर का मार्ग था, लोग घूमने फिरने वाले बाहर निकले, लोगों को पता लग गया, पूरे गांव में खबर फैल गई। चारों मंत्रियों के द्वारा रात्रि में किया गया वो कृत्य, किए जाने वाली वो योजना, वो सबको पता लग गई और राजा को भी पता लग गया। फिर क्या होना था? ऐसी घटना हो गई है और राजा को जब इस बात का पता लग गया है, और पूरी घटना, क्योंकि पिछली वाली घटना भी, पिछले दिन की घटना भी राजा के सामने थी, पूरे रास्ते भड़काते हुए आ रहे थे, ध्यान में था, और ये भी पता था कि इनके साथ में वाद विवाद हुआ था। राजा को सब बात समझते हुए देर नहीं लगी, मणिराज ध्यान अवस्था से बाहर निकले। देवों ने भी उन्हें जो किलित थे उन्हें मुक्त किया कि अब जो भी निर्णय करना है वो राजा करेंगे। घटना सारे जगत के सामने आनी थी, वो आ गई। देव लोग चले गए, उन्होंने माफी मांगी चारों मंत्रियों ने पूरे नगर के सामने। मणिराज ने सद्धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया, कोई बात नहीं। मणिराज तो भूल गए थे घटना को, मणिराज कहाँ याद रखते हैं, मणिराज वर्तमान में जीते हैं, भूत भावी में नहीं जीते हैं और भूतकालीन घटनाओं को अपने दिमाग में लेकर के घूमते नहीं, कौन सी घटना के दिमाग में लेकर के घूमेंगे। लेकिन राजा ने उन चारों मंत्रियों को देश निकाला दे दिया, काला मुंह कर दिया, गधे पर बैठा दिया, पूरे नगर के सामने उन्हें अपमानित किया, लज्जित किया और वे नगर से बाहर निकल गए। इधर मणिराज भी अपने स्वरूप साधना में मग्न थे, विहार करने लगे इधर उधर, जहां भी जैसी परिस्थिति बनी। वे चारों मंत्री जिनको देश निकाला दे दिया गया था, वे उज्जैन से निकलकर हस्तिनापुर पहुंच गए, पौराणिक ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर, पांचों पांडवों की साधना स्थली, महाभारत के का घटना स्थल, वो हस्तिनापुर नाम की नगरी। उस समय तत्काल समय में उस हस्तिनापुर नगरी में राजा राज्य करते थे पद्मराय। पहले वाले राजा कौन थे, क्या नाम था उनका? श्री वर्मा। श्री वर्मा राजा के चार मंत्री थे। और दूसरे हस्तिनापुर के राजा कौन थे? पद्मराय। ये हस्तिनापुर के राजा थे, मंत्री तो थे ही ये चारों, बुद्धिमान तो थे ही, चतुराई तो थी। राजा के राज दरबार में पहुंच गए, उनका सहयोग करने लगे, वहां जॉब मिल गया, काम मिल गया। थोड़े ही दिनों में राजा को इतना प्रसन्न कर लिया कि वो प्रसन्न करके राजा के मंत्री बन गए, हस्तिनापुर में रहने लगे, राजा पद्मराय के मंत्री हो गए।
समय बीतने लगा धीरे धीरे। जैसे जैसे समय बीतने लगा, राजा को किसी बात पर इतना अधिक प्रसन्न कर लिया, तो राजा इतना प्रसन्न हुआ, राजा ने प्रसन्न होकर के कहा, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? क्या मांगना है? बहुत प्रसन्न हुए, मांगो, तुम्हें जो कुछ भी मांगना है, आज इतना खुश हूं, मैं तुम्हें दूंगा। मंत्रियों को कुछ दिखाई नहीं दिया और उन्होंने कहा कि महाराज, आपने जो वचन दिया है, अभी तो हमें कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत होगी तो हम मांग लेंगे। देखो नीतिकार क्या कहते हैं, नीतिकार ये कहते हैं, प्रसन्नता में आकर के किसी को वचन मत देना और क्रोध में आकर कभी निर्णय मत लेना। नीतिकारों का वचन है था। जब बहुत अधिक गुस्सा आ रहा हो, बहुत अधिक क्रोध हो, तो ऐसे क्रोध की परिस्थिति में कभी निर्णय मत लेना किसी भी काम के लिए, और जब बहुत अधिक प्रसन्न हो तो कभी किसी को वचन मत देना। एक तो दशरथ ने दिया था वचन कैकेयी को, दो वचन मांगने की बात कही थी, मांगो जो मांग लो। फिर क्या हुआ, भरत का राज्याभिषेक और 14 वर्ष का वनवास रामचंद्र जी का, ऐसी घटना घट गई थी। यहां भी यही गलती हुई, राजा पद्मराय भी जैन थे, जैन धर्म के भक्त थे, ज्ञानी थे, समझदार थे, कोई बात नहीं। काल बीतने लगा, कुछ समय पश्चात वो 700 मुनिराजों का संग उधर से विहार करता हुआ अकंपनाचार्य के निर्देशन में हस्तिनापुर नगरी के नजदीक पहुंचा। चातुर्मास स्थापना हुई, सावन का महीना शुरू हुआ। मंत्रियों को इस बात का पता लगा, सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना शुरू हो गया, चातुर्मास स्थापना हो गई, 700 मुनिराजों के ने वहीं आकर के अपना स्थान निश्चित कर लिया कि 4 महीने यहीं रहेंगे इसी नगर में। दिन बीतने लगे, मंत्रियों के पास खबर पहुंच गई, 1-2 दिन नहीं, 15-20 दिन हो गए। दिमाग में चल रहा है, ये वही है, ये वही संग है, मौका मिला है, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, बदला लेना चाहिए इनके साथ में, अब क्या करें। 15 दिन 20 दिन निकल गए, 22 दिन निकल गए, एकदम कुछ योजना बनी, कुछ षड्यंत्र ज्ञान में आया कि अरे राजा ने जो वरदान दिया था वो मांगने का समय आ गया है, इससे अच्छा मौका कब मिलेगा, क्या करें। सावन शुक्ल सप्तमी अष्टमी के आसपास का दिन होगा, और राजा से उन्होंने ये बात कही कि महाराज, हम लोग मंत्री हैं और हमेशा से मंत्री रहे हैं, पहले भी मंत्री थे, हमारा मन है कि हम भी राज्य करें, और आप इतने वर्षों से राजा हो, राजाओं को कहाँ छुट्टी मिलती है, राजपाट से 7 दिन के लिए आप छुट्टी मनाया हो, तीर्थ वंदना के लिए जाया हो, और 7 दिन के लिए राज्य हमें संभालने दो, तो हम भी राज्य कैसे संभाला जाता है इसका अनुभव लेंगे, और आप भी अपने परिवार के साथ में घूमाओ, छुट्टियां मनाओ। राजा कुछ कहता उससे पहले ही मंत्रियों ने वो वरदान भी याद दिला दिया कि आपने कही थी महाराज, जो मांगो वो मांग लेना, तो 7 दिन का राज्य मांग लिया। राजा वचनबद्ध था, राजा ने 7 दिन का राज्य दे दिया, अब क्या होगा। ये जानते थे जब राज्य हमारे को मिल गया, मंत्री जानते थे इस बात को, जब हमारे को राज्य मिल गया, जब हम राजा ही हो जाएंगे नगर के, तो दुनिया में कौन हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। राजगद्दी पर बैठ गए और 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग करना शुरू कर दिया। आप उस घटना को देखो जरा एक बार, वो दृश्य अपनी आंखों के सामने घुमा करके तो देखो क्या परिस्थिति बनी होगी। 700 मुनिराज, बहुत बड़ा संघ, 700 मुनिराज किसे कहते हैं, बहुत बड़ा संघ था। इतना बड़ा संघ उस घटना के बाद में दोबारा दूसरा दिखाई नहीं देता है। चौथे काल की वो घटना, कितने श्रावक होंगे, जैन नगरी, हस्तिनापुर जैन नगरी थी, 700 मुनिराज बैठे हुए हैं, अकंपनाचार्य बैठे हुए हैं, ईश्वर सागर मुनिराज बैठे हुए हैं, ध्यान मग्न हैं, साधना रत हैं, चारों तरफ अग्नि जला दी गई, चारों तरफ घास लगा दी गई, मुनिराज उठ नहीं सके, चल नहीं सके, कैसा उत्सर्ग किया होगा।
चारों तरफ घास लग गई, मुनिराज घास पर चलते नहीं है। अग्नि जला दी गई, आग बढ़ने लगी धीरे धीरे, धुआं बढ़ने लगा, मुनिराजों के कंठ रुंधने लगे। उपसर्ग के काल में मुनिराज उठते नहीं है, मुनिराज चलते नहीं है, कौन उपसर्ग दूर करेगा उन मुनिराज का, कैसी परिस्थिति बनेगी, अब क्या होगा बताओ। जैसे ही मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग आता है, मुनिराज साधना में और लीन हो जाते हैं, अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं, आराधना में लीन हो जाते हैं, और अंदर चले गए और अंदर चले गए, उपयोग बाहर में नहीं। जैसे जैसे बाहर में संकट आता है, वैसे वैसे मुनिराज अपने उपयोग को, अपने ध्यान को, अपने चित्त को बाहर से हटा लेते हैं और अंदर में ले जाते हैं। बाहर में उपसर्ग हो रहा है, प्रजा आकुलित व्याकुलित हो रही है, लेकिन राजा के आगे प्रजा की कुछ नहीं चल सकती, क्या करें। राजा पद्मराय को भी खबर लगी, लेकिन क्या करते बेचारे, वचनबद्ध थे, 7 दिन के लिए राज्य दे दिया गया था, कोई उपाय नहीं था। कैसा हो गया होगा 700 मुनिराजों का शरीर, कितना बड़ा संकट मुनिराजों के ऊपर आ गया था। देखो भाई, श्रावकों को देखने पर तो संकट दिखाई देता है, लेकिन मुनिराज तो अंदर में सुरक्षित हुआ करते थे। देह के ऊपर संकट है, जो उपसर्ग आ रहा है ये बाहर आ रहा है, और अंदर में जो चित्त की एकाग्रता है, ये संकट के काल में सुरक्षित हैं। श्रावकों की जिम्मेदारी बनती है कि उपसर्ग को दूर करें, ये श्रावकों की जिम्मेदारी है। ध्यान रखना, उपसर्ग को दूर करने की जिम्मेदारी तो श्रावकों की है, उपसर्ग को दूर करने की, परिचय को दूर करने की नहीं। मुनिराज के ऊपर यदि किसी प्रकार का कोई उपसर्ग आ रहा हो, तो ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है श्रावकों की, गृहस्थों की, कि वे मुनिराज के उपसर्ग को दूर करें। लेकिन मुनिराज को गर्मी लग रही है, एसी लगा दें। अब मुनिराज तो कुछ बोलते नहीं है, तो अपन ही लगा देते, इतनी गर्मी है, अपनी ये हालत हो रही है, ठंड लग रही है, तो कुछ हीटर लगा दें मुनिराज के लिए, कि नहीं भाई ऐसा काम मत करना कभी भी, ये उपसर्ग हो जाएगा उनके ऊपर। पद्मराय जो राजा थे हस्तिनापुर के, उनके गृहस्थ दशा के भाई जो पहले मुनि हो चुके थे, उनका नाम था विष्णु कुमार। समझ में आ रही सब कहानी तो सबने सुनी है। विष्णु कुमार जो मुनिराज हुए थे, पद्म राजा को इस बात की खबर थी कि उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त है। विष्णु कुमार मुनिराज को विक्रिया रिद्धि, एक रिद्धि होती है, 64 रिद्धियों में एक विक्रिया नाम की रिद्धि है। विक्रिया रिद्धि के भेद हैं बहुत सारे, अलग अलग प्रकार की विक्रिया मुनिराज कर लिया करते हैं, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा, ये तो विक्रिया रिद्धि के भेद हैं। शरीर को छोटा बड़ा कर लेने की सामर्थ्य, उस रिद्धि का नाम है विक्रिया रिद्धि। मुनिराजों को पता नहीं होता, तपस्या के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से, ध्यान के प्रभाव से मुनिराजों के जीवन में एक दो नहीं, सैकड़ों विद्याएं प्रकट हो जाती है, रिद्धियां प्रकट हो जाती है मुनिराजों के जीवन में, अनेक रिद्धियां प्रकट हो जाती है। विष्णु कुमार मुनिराज को तो खबर भी नहीं थी, उनको तो मालूम भी नहीं था, लेकिन औरों को पता लग सकता है। 700 मुनिराजों के उपसर्ग को दूर करने का प्रसंग था, राजा पद्मराय को पता लगा कि विष्णु कुमार मुनिराज को विक्रिया रिद्धि प्राप्त है, क्या करें। रिद्धि का प्रयोग मुनिराज करते नहीं, मुनिराजों को रिद्धियों का प्रयोग करने का कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई प्रयोजन नहीं होता, क्यों करें रिद्धियों का प्रयोग, क्या जरूरत है, और रिद्धियां क्या करने में समर्थ है। वे शक्तियां और रिद्धियां मुक्ति नहीं दिला सकती है, उन शक्तियों से, उन रिद्धियों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, उन रिद्धियों से आत्मा के अतिंद्रिय आनंद का स्वाद नहीं आता है। वे रिद्धियां लौकिक काम करने में समर्थ हैं, और मुनिराज ने तो लौकिक काम छोड़ दिए, मुनिराज तो लोकोत्तर मार्ग पर चल रहे हैं, अब उन्हें दुनिया से जगत से क्या लेना देना। पद्मराय मुनिराज विष्णु कुमार मुनिराज के पास में पहुंचे, उन्हें विक्रिया रिद्धि की बात कही, 700 मुनिराजों के उपसर्ग की घटना की बात कही। बोले मैं क्या कर सकता हूं, बोले आपको रिद्धि प्राप्त है, बोले मुझे नहीं मालूम, क्या हमें मालूम है, हमें पता लगा है कि आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त है, आप देखो। उन्होंने हाथ ऊपर किया तो हाथ सुमेरु पर्वत तक पहुंच गया, मानुषोत्तर पर्वत तक पहुंच गया। ओ छोटा बड़ा कर सकते हैं शरीर, मैं क्या कर सकता हूं, क्या आप कर सकते हैं कुछ, कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुश्किल है ये काम, ये मेरे द्वारा नहीं हो सकता है, ये काम मुनि भूमिका के योग्य नहीं था।
रिद्धियों का प्रयोग करना मुनि भूमिका के योग्य काम नहीं था, लेकिन 700 मनिराजों की रक्षा का सवाल था, रक्षा का भाव था, करुणा का भाव था। वो करुणा का भाव यद्यपि अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मुनि पद का त्याग किया। विष्णु कुमार मुनिराज मुनि अवस्था में रहते हुए ये काम नहीं कर सकते थे। शंक करना था, मायाचारी करनी थी, धोखा देना था। मुनि अवस्था को त्यागा, गृहस्थ अवस्था अपनाई, 52 का रूप बना लिया, छोटा सा रूप बना लिया, शरीर बहुत छोटा कर लिया उन्होंने, कपड़े पहने, वस्त्र पहने, ब्राह्मण का रूप बना लिया। योजना और षड्यंत्र तैयार किया गया, प्लानिंग की गई। ये काम मुनि भूमिका के योग्य थोड़ी ना हो सकता है। फिर क्या हुआ, बलि राजा के दरबार में पहुंच गए। 5-6 दिन हो चुके थे उपसर्ग करते हुए, बलि राजा के दरबार में पहुंच गए, ब्राह्मण का वेश बना करके। कौन? विष्णु कुमार मुनिराज, 52 का रूप बना लिया था। और वहां जाकर ब्राह्मण मांगने के लिए आया है राज दरबार में, राजा के सामने आया भिक्षा मांगने के लिए। राजा ने भी क्या कहा, मांग क्या मांगता है, ब्राह्मण आया है, क्या मांगेगा ब्राह्मण, क्या मांगेगा, रोटी मांग लेगा, कपड़ा मांग लेगा, कुछ धन मांग लेगा, और क्या चाहिए, मांग क्या मांगता है, जो मांगे वो देंगे तेरे को। पता है क्या कहा, 3 पांव जमीन चाहिए महाराज, रहने के लिए 3 पांव जमीन। व्यक्ति को रहने के लिए इतनी जगह चाहिए होती है, इससे ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है। बैठेगा, लेटेगा, सोएगा, लेकिन 3 पांव जमीन से ज़्यादा की जरूरत नहीं होती है। अरे इतना सा क्या 3 पांव जमीन मांगता है, चल इतना बड़ा राज्य है, जहाँ जचे वहाँ ले ले 3 पांव जमीन, नाप ले अपने 3 पांव। इतना कहना था राजा के माध्यम से, और विष्णु कुमार ने अपनी विक्रिया के माध्यम से विशाल शरीर बना लिया, और पूरी धरती को उन्होंने 2 पांव में नाप लिया। 1 पांव सुमेरु पर्वत के ऊपर रख दिया, भारत क्षेत्र से हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील और कहां कहां पहुंचते हुए बीच में सुमेरु पर्वत खड़ा, 1 पर्वत सुमेरु पर्वत तक पहुंचा दिया 1 पांव, और दूसरे पांव को मानुष उत्तर पर्वत तक, मनुष्य लोक की सीमा तक पहुंचा दिया। मांग क्या मांगना है, बोल अब तीसरा पांव कहां रखूंगा, क्या करे। 3 पांव जमीन की बात कही थी, इतने विशाल रूप को देख करके घबरा गया, चरणों में पड़ गया, 3रा पांव उसके माथे पर रख दिया, मर गया। चारों मंत्रियों का जो कुछ भी होना हो, मुनि निंदा, मुनि राजों के ऊपर उपसर्ग, ऐसे कार्य के फल में वे चारों मंत्री मर करके नरक नहीं, वो जहां जाना होगा वहां चले गए। 700 मुनि राजों का उपसर्ग दूर हुआ, 700 मुनि राजों का उपसर्ग दूर हुआ। कौन सा दिन था वो, सावन शुक्ल पूर्णिमा का दिन। कहा था ना मैंने अभी, चातुर्मास स्थापना हुई, 20-22 दिन तक वो योजना बनाते रहे, देखते रहे, और 5-7 दिन पहले उन्होंने राज्य मांग लिया, सप्तमी अष्टमी शुक्ल पक्ष के दिन। और फिर क्या हुआ, उपसर्ग दूर हो गया, 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हो गया। आप तात्कालिक घटना को यदि अपने दिमाग में घुमाएंगे तो वो दिन कोई बहुत खुशियां मनाने का दिन नहीं था, भले खुशी हुई थी, 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ था, बहुत बड़ा काम हो गया था, लेकिन इतनी भी खुशी नहीं थी कि चलो अब मुनिराजों का उपसर्ग दूर हो गया, चलो पिक्चर देख के आते हैं, चलो मिठाइयां बांटते हैं, ऐसा भी नहीं था। क्योंकि असली काम तो अब शुरू हुआ था दीपेश जी। कौन सा काम, 7 दिन तक 700 मुनिराजों को आहार नहीं मिला था, 7 दिन तक 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ था, उनके कंठ की क्या स्थिति थी, उनकी शारीरिक स्थिति क्या थी। अब तो उन मुनिराजों की भैयावृत्ति का काम शुरू होगा, अब तो उनकी सेवा का काम शुरू होगा, अब तो उनके लिए कुछ ऐसी प्रासक औषधि तैयार होगी जिनके माध्यम से उन मुनिराज के लिए उपचार हो। मुनिराज को रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है, लेकिन श्रावकों को तो इस बात की अपेक्षा है, शरीर जल रहा होगा, सारे शरीर के अंदर धुआं धुआं भरी हुई होगी, विचलित होंगे, कैसी स्थिति होगी उन मुनिराजों की। अब असली काम शुरू होता है। मान लीजिए हार्ट में प्रॉब्लम हो और हार्ट का बड़ा ऑपरेशन हो जाए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना ऑपरेशन होने पर, क्यों
किडनी में परेशानी थी, बड़ा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, क्या अब कोई परेशानी नहीं है, पथरी थी, कुछ प्रॉब्लम थी, सब निकल गई सारा, अब तो शरीर ठीक है ना। नहीं भाई, असली काम तो अब शुरू होगा। हार्ट के ऑपरेशन के बाद में अब तो नॉर्मल हो गए ना। अरे नॉर्मल नहीं हुए, अब ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। क्या है सास को मुनि राजन की सुरक्षा। चलो खैर कोई बात नहीं, सावन शुक्ल पूर्णिमा का दिन और सास को मुनि राजन की रक्षा हुई। किसने की थी रक्षा? सास को मुनि राजन की रक्षा किसने की थी? विष्णु कुमार मुनि राज ने रक्षा की थी, नहीं की थी? प्रथमानुयोग तो यही कहता है, प्रथमानुयोग तो यही कहता है कि 700 मुनिराजों की रक्षा विष्णु कुमार मुनिराज के माध्यम से हुई। मुनिराज के माध्यम से हुई है, विष्णु कुमार के माध्यम से हुई। बाद में विष्णु कुमार मुनिराज ने पुनः दीक्षा ली, वापस मुनि हो गए, क्योंकि गृहस्थ हो गए थे ना। भले दो दिन के लिए उन्होंने दीक्षा का छेद किया हो, वे वापस मुनि हो गए। मेरा प्रश्न ये है कि यदि वे विष्णु कुमार मुनिराज 700 मुनिराजों की रक्षा नहीं करते तो क्या होता? 700 मुनिराजों का क्या होता बेचारे? सोचते हैं आप, कभी सोचा है कभी ऐसा? यदि वे रक्षा नहीं करते तो क्या होता? पिछले वर्ष भी किए मैंने चर्चा, ये यहां अपने तेरापंथी बड़ा मंदिर में ये चित्र, गज कुमार मुनिराज, पांडव मुनिराज। गज कुमार मुनिराज की रक्षा किसने की थी? उपसर्ग किसने किया था? गज कुमार मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया था उनके ससुर ने। शादी तो की नहीं थी उन्होंने, संबंध नक्की हुआ था। उनके ससुर ने सीढ़ी जला दी थी और उपसर्ग किसने दूर किया था? नाम पता है आपको? कहां से पता होगा, किसी ने दूर ही नहीं किया। फिर क्या हुआ? आत्मस्वरूप में लीन हो गए और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। भाई साहब जरूरत नहीं है 700 मुनिराजों का उपसर्ग, यदि दूर नहीं किया जाता विष्णु कुमार मुनिराज के माध्यम से तो वे मुनिराज तो अपने स्वरूप ध्यान के माध्यम से सुरक्षित थे, अपने ध्यान में मग्न थे। अरे अनेक मुनिराजों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, अरहंत बन जाते, परमात्मा बन जाते, लेकिन कोई बात नहीं, रक्षा करने का विकल्प आया उनको, रक्षा करने का भाव आया विष्णु कुमार मुनिराज को। आता है साधर्मियों की रक्षा करने का विकल्प भी आता है, लेकिन वो रक्षा करने का भाव कोई बहुत अच्छा काम नहीं था। मैं आपके सामने तीन ऑप्शन देता हूं। एक अकंपनाचार्य, एक श्रुत सागर मुनिराज और एक विष्णु कुमार मुनिराज, तीनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ थे बोलो? इन तीनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ थे? रक्षाबंधन की कथा और कहानी तो विष्णु कुमार मुनिराज की गीत गाती है, कहेगी रक्षाबंधन की कहानी है, मुनिराजों की रक्षा हुई है, उपसर्ग दूर हुआ है, वो पूरी कहानी तो विष्णु कुमार मुनिराज के गीत गाती है। रक्षाबंधन की आप पूजन करेंगे तो विष्णु कुमार मुनिराज के गीत गाएंगे, हम उनके अर्घ चढ़ाएंगे, हम उनकी पूजा करेंगे, हम उन्हीं के गीत गाएंगे, लेकिन सच्चाई क्या है? प्रथमानुयोग विष्णु कुमार मुनिराज के गीत गाता है, लेकिन चरणानुयोग क्या कहता है, करणानुयोग क्या कहता है, द्रव्यानुयोग क्या कहता है? आप जानते हैं चार अनुयोग हैं, चारों अनुयोगों की कथन करने की शैली अलग अलग हुआ करती है। चरणानुयोग ये कहेगा गिर गए, मुनि भूमिका को त्यागना पड़ा, अच्छा काम नहीं हुआ। चरणानुयोग ये कहेगा आचरण से नीचे गिर गए। करणानुयोग ये कहेगा कहां गुणस्थान छठा सातवां था और कहां गुणस्थान चौथा हो गया। मुनिराजों का छठा सातवां गुणस्थान होता है और गृहस्थ दशा में गुणस्थान चौथा हो जाता है, नीचे गिर गए। करणानुयोग कह रहा है नीचे गिर गए। चरणानुयोग ये कह रहा है आचरण से नीचे हीन हो गए। द्रव्यानुयोग ये कह रहा है तीन कषाय चौबड़ी का भाव जन्य शुद्ध परिणति शुद्धोपयोग अतिंद्रिय आनंद का रस स्वादन वहां से गिर करके कहां चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन तीन कषायों से सहित अवस्था। द्रव्यानुयोगी कह रहा है मायाचारी चल करने के लिए तैयार हो गए। द्रव्यानुयोगी कह रहा है काम अच्छा नहीं हुआ। देखो आप अनुयोगों की शैली अलग अलग प्रकार की शैली। प्रथमानुयोग जिनकी प्रशंसा कर रहा है, चरणानुयोग करणानुयोग और द्रव्यानुयोग उनकी निंदा कर रहा है। निंदा कर रहा है मतलब अच्छा नहीं कह रहा है,
ये साहब विष्णु कुमार मनिराज ने इतना बड़ा काम किया और आपके हृदय में बिल्कुल महिमा नहीं है उनकी। क्यों नहीं है महिमा? हमारे हृदय में बहुत महिमा है उनकी। हमारे हृदय में विष्णु कुमार मुनिराज की महिमा कम हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो काम उस भूमिका के योग्य नहीं था। हम सिर्फ इतनी बात आपको कहना चाहते हैं, सुरक्षित होते हैं मुनिराज, स्वरूप में मग्न रहते हैं, आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, शुद्ध उपयोग में रहने वाले, देह और संयोगों से दृष्टि जिनकी हट गई हो वे महामुनिराज कैसे होते हैं? वे सातों मुनिराज देखो, सर्वश्रेष्ठ नंबर तो अकंपनाचार्य का, उन सातों मुनिराजों का सेकंड नंबर पर श्रुत सागर मुनिराज वाद विवाद में उलझ गए और तीसरे नंबर पर विष्णु कुमार मुनिराज। नंबर डालना हो तो तीसरे नंबर पर डालेंगे। अब बाद में मुनि बन गए, देवी मोक्ष चले गए, उन्होंने भी मुक्ति की प्राप्ति की। चलिए ये तो पूरी घटना है सावन शुक्ल पूर्णिमा के दिन की। 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हो गया, 700 मुनिराजों की रक्षा हुई, लेकिन एक प्रश्न मेरे चित्त में उठता है दीपेश जी, इस पर्व का नाम, जिस दिन रक्षा हुई थी उसका नाम रक्षा बंधन कैसे पड़ गया? रक्षा के साथ में बंधन का क्या लेना देना है? रक्षा पर्व होता, सुरक्षा पर्व होता, रक्षा महोत्सव होता, रक्षा उत्सव होता, ये बहुत अच्छे अच्छे नाम हो सकते थे। रक्षा के साथ में बंधन शब्द क्यों जोड़ दिया गया? क्या प्रथमानु युग की कहानी, परवर्ती विद्वानों ने उस रक्षा के साथ में बंधन को जोड़ते हुए उसकी कुछ व्याख्या अलग प्रकार से भी की है। उन्होंने कुछ इस प्रकार की व्याख्या भी की है कि 700 मुनिराजों की तो रक्षा हुई और बलि का बंधन हुआ। बलि को बांध दिया गया ना, 700 मुनिराजों की तो रक्षा हुई और बलि नमुचि बृहस्पति प्रहलाद ये जो चार मंत्री आदि थे उन चारों को बंधन हुआ। ऐसे इधर रक्षा और इधर बंधन, रक्षा बंधन, लेकिन कुछ बात जचती कम है। मुनिराजों की रक्षा के साथ में उनके बंधन को जोड़ करके उस पर्व का नाम रक्षा बंधन रख दिया जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां से ये पर्व चला होगा, क्या ज्ञानी विद्वानों ने जहां ये बात रखी होगी, वीतरागी संतों ने, उन्होंने कहा रक्षा भी बंधन है। क्या विष्णु कुमार मुनिराज ने भले ही रक्षा की हो, लेकिन रक्षा करने के परिणामों से उनको मुक्ति नहीं मिली, रक्षा करने के परिणामों से उन्हें कर्म बंधन हुआ। जैन धर्म रक्षा करने के परिणामों को भी बंधन का कारण कहता है। भले ही पुण्य बंधन का कारण कहता हो, पाप नहीं बंधता हो, पुण्य बंधता हो, लेकिन रक्षा करने का भाव भी बंधन का कारण है। यह संदेश देता है रक्षा बंधन, ये शब्द ये सिर्फ हमारे द्वारा कही जाने वाली बात नहीं है, हमारे पास प्रमाण है इसके सब। रक्षा करने का भाव, करुणा का भाव, दया का भाव, उपकार का भाव, परोपकार का भाव, ये सब पुण्य बंधन के कारण होते हैं। पुण्य भी बंधन है, ये मुक्ति के कारण नहीं होते। प्रवचन सार 85 भी गाथा, और करुणा भाव ये सब मोह के ही चिन्ह है। आचार्य कुंदकुंद ने मूल गाथा में कुंदकुंद स्वामी ने प्रयोग किया है ऐसा कि करुणा भाव भी मोह का चिन्ह है, बंधन का कारण है। रक्षा का भाव भी बंधन का कारण है, कैसा संदेश देता है। हम लोग सब बंधन में भी हैं और हम सबको मुक्ति की जरूरत भी है। 700 मुनिराजों का तो उपसर्ग दूर हो गया, लेकिन हमारे ऊपर भी तो एक महासंकट है। हम लोग भी तो बंधन में हैं, क्या उसे दूर करने की जिम्मेदारी नहीं है हमारी? इतना पवित्र पर्व, रक्षा का भाव भी बंधन का कारण है। मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ, उनका शुभ भाव, पुण्य की बात बतलाने वाला, मुनिराजों के हृदय की पवित्रता को बतलाने वाला ये इतना महान पर्व, और कभी कभी लगता है कि ये भाई बहन के रिश्ते में बन करके रह गया। ये जो महापर्व था, जो हृदय की पवित्रता का सूचक था, वो ज्ञानी धर्मात्माओं की आराधना का जो काल था, वो पर्व था, उस पर्व को हमने कितना हीन स्तर पर लौकिक पर्व बना करके, और उसका भी स्वरूप समझ में नहीं आता है कुछ भी। यदि वो बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र नहीं बांधेगी तो भाई रक्षा नहीं करेंगे क्यों? और यदि संकट आ गया हो तो संकट को दूर करने की जिम्मेदारी भाई की है, पिता की जिम्मेदारी नहीं है।
पिता अपनी पुत्री की रक्षा नहीं कर सकता, बच्चे अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकता, पति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करे, कोई संकट आए तो ये नहीं निजाम हम क्यों करें, तो भाई करेगा, तो राखी तो है, राखी तो उसी के बांधी है। ये क्या मतलब है, कुछ कुछ लेना देना नहीं है उससे क्या। ये तो पुराने समय में, और देखो मैं इतिहास की तरफ यदि आपको ले जाऊं तो राजाओं के जमाने में, राजाओं के काल में ऐसा होता था कि जब पड़ोसी देश का कोई राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया करता था और कोई संकट आता था तो रानियों के द्वारा अपने पति की सुरक्षा के लिए क्या, सुरक्षा की भावना से, राज्य की सुरक्षा की भावना से पत्र लिख करके भेजा जाता था अपने भाई के पास में, वो भी राजा है ना कहीं का, ये रानी है यहाँ की, राजघरानों में आपसे संबंध हुआ करते थे, वो पत्र और संदेश भेजती थी सुरक्षा के लिए अपने भाई के पास में, और रक्षा सूत्र रख करके भेजती थी, और वो भाई उस रक्षा सूत्र को बांध कर वो राज्य की सुरक्षा के लिए, अपनी बहन की सुरक्षा के लिए अपनी सेना को साथ में लेकर के आता था, और वो सुरक्षा होती थी। लेकिन उसका कोई संबंध यहाँ इस पर्व के साथ में नहीं, उस रक्षा सूत्र का संबंध वो भाई को भेजा ना बहन ने सुरक्षा की दृष्टि से, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये तो लौकिक परंपरा है, न मालूम कहाँ से कैसी चल पड़ी है, और नई नई तरह की बातें, और आजकल तो और भी कई तरह का होने लग गया है, मंदिर में आकर के बांधने लग गए, वेदियों पर आकर के रक्षा सूत्र बांधने लगे हैं क्या, हाँ मनराजों की पीछियों पर बांधने लगे हैं, मनराजों को बांधने लगे हैं, क्या क्या हो गया है मुझे कुछ, ये तो कितनी विकृतियाँ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन ये पर्व तो कुछ और ही कहता है, ये पर्व तो आराधना का पर्व है भाई, ये पर्व की रक्षा का नहीं, स्व की सुरक्षा का पर्व है। पर की रक्षा तो आज तक अनंत बार किए हैं, जीवों के प्रति करुणा बुद्धि तो आज तक अनंत बार हुई है, जीवों को बचाया है, गायों को बचाया है, कबूतरों को बचाया है, पक्षियों को बचाया है, कीड़े मकोड़े चींटियों को बचाया है हमने, उनकी सुरक्षा तो अनंत बार की है। लेकिन कभी ये भाव आता है कि अपनी भी सुरक्षा की जरूरत है, हम भी तो बंधन में हैं, क्या अपने आप को बंधन से रक्षा की जरूरत नहीं है, क्या संसार समुद्र में डूबते हुए अपने आप को इस बात की जरूरत नहीं है कि हम भी बंधन से मुक्त हो। ये जनवाणी का अवलंबन, ये शास्त्र, ये तत्व ज्ञान, ये भेद विज्ञान की चर्चा, ये बंधन से मुक्ति के लिए है, हमें जरूरत है। पर की रक्षा नहीं, अपनी सुरक्षा हो, ये हम मरकर के कीड़े मकोड़े ना हो जाएं, हम मरकर के एकेंद्रीय ना हो जाएं, हम मरकर के तिरंज गति में ना चले जाएं। पर की रक्षा का विकल्प और भाव वो पुण्य बंधन का कारण है, और आत्मरक्षा जो शुद्धोपयोग के माध्यम से होती है वो असली धर्म है। विष्णु कुमार मुनिराज ने जो 700 मुनिराजों की रक्षा की, ये पुण्य भाव था, ये शुभ भाव था, और आत्मस्वरूप में लीनता पूर्वक, शुद्धोपयोग पूर्वक वे 700 मुनिराज स्वरूप ध्यान पूर्वक जो स्वरक्षित थे वो धर्म था। ये रक्षा बंधन पुण्य के भाव को भी हे बतलाने वाला, बंधन का हेतु बतलाने वाला, शुद्धोपयोग की प्रेरणा देने वाला, महामुनिराजों की सुरक्षा और आत्मरक्षा ये दोनों के बीच में संतुलन बनाने वाला ये महापर्व है, जिसकी थोड़ी बहुत चर्चा हमने यहाँ इस पाठ को आधार बनाकर के की है। यद्यपि शब्द यहाँ से नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी इन बातों को अपने लक्ष्य में रखना, इस पर्व का नाम रक्षाबंधन कैसे पड़ गया है और आत्मरक्षा कैसे हो, ये विचारणीय बात है। संसार में डूबते हुए, संसार में भटकते हुए, चतुर्गति में परिभ्रमण करते हुए हम आत्मरक्षा भी कर सकें, अपने आप की भी बंधन से रक्षा कर सकें, बस सभी लोग अपने शुद्धोपयोग परिणामों के माध्यम से, आत्मानुभूति के माध्यम से रक्षा करें अपने आप की बंधन से, इसी भावना से ये रक्षाबंधन की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।